नाज़रीन रेड बॉक्स के साथ मैं हूं आपके मेज़बान सुमैरा कुरैशी। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे जो अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि बैरियर टाउन में इस वक्त बाइंग का टाइम है या फिर सेलिंग का टाइम है। और आज के सेगमेंट में हम आपके लिए एक नई खुशखबरी लेकर आए हैं जो कि ईद तक एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर आपको दी जाएगी, जिसमें आपके लिए जो है अभी प्री लॉन्चिंग एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और इस हवाले से हम आपको डिटेल्स देंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि बहरिया टाउन में इस वक्त कौन सा है, क्या आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे या फिर अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहेंगे। अच्छा, हम आपको बताते चलेंगे इस पर बहरिया टाउन में जो वो बाइंग का टाइम है, क्योंकि सेलिंग का प्रेशर बढ़ने की वजह से जिन लोगों ने फाइल्स जो थी वो ओन पर ली हुई थी उनकी भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे आ गई। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से और बहुत सारे मसाइल आने की वजह से हेड ऑफिस भी बंद था तो लोग बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड पर रखे हुए थे। अब चूंकि मामूलात जो हैं वो सेटल्ड हो गए हैं, चीज़ें सेट हो गई हैं, मार्केट इन हालात में भी ग्रो करेगी, चुनाचा बेटर ROI मिलने के लिए जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की उनके चांसेस बढ़ जाएंगे, इनकी बेसिक प्राइसेस बेहतर होंगी, जिनकी मिसाल बेनिफिशरीज हैं क्योंकि प्रेसन 27 और 31 में जो कीज मिल रही हैं, रेडी विलास मिल रहे हैं, उनकी प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ रही हैं। खासतौर पर ओवरसीज के क्लाइंट अब अपनी वर्थ मालूम करना चाह रहे हैं कि प्रेसन 27 के फ्रंट और बैक के जो विलास रेडी हैं उनके हवाले। सो प्रेसन 27 और प्रेसन 31 के ग्रे स्ट्रक्चर वाले विलास मुकम्मल होने जा रहे हैं, फैमिलीज यहां पर रहना शुरू कर दिया, अब इनकी कीमतें आने वाले वक्त में डेफिनेटली बढ़ेंगी। अच्छी प्राइसेस पर जाकर बेचने की ख्वाहिश रखने वालों को अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। इस सेगमेंट के जरिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को अभी आप सेल मत करें। जो निकल कर कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको भी मार्केट जो है वो आने वाले वक्त में ग्रो करेगी, लेकिन इस वक्त जो मार्केट है वो बिल्कुल बाइंग मार्केट है। आने वाले दिनों में डेफिनेटली ईद के बाद जो होगा वो सेलिंग का टाइम होगा, क्योंकि डेफिनेटली लॉकडाउन भी है वो खुल जाएगा और जो प्रॉफिट है बेटर आएगा। अगर आप लोग अपने विलास खरीदना चाहते हैं जो बहुत ही इकोनॉमिकल रेट्स पर विलास आपको मिलेंगे, विलास की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से भी कम रेट्स पर विलास बहरिया ने इससे पहले लोगों को दिए थे और इस वक्त की कॉस्ट उस वक्त की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बराबर है, तो इस वक्त बहरिया टाउन में ये बिल्कुल आइडियल टाइम है। तो व्यूवर्स, ये तो हमने थोड़ा डिस्कशन कर लिया कि बहरिया टाउन में इस वक्त बाइंग का टाइम है या सेलिंग का टाइम है। अब मूव करते हैं गुड न्यूज़ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेन कमर्शियल हब है जिना एवेन्यू, वो बहुत बड़ा कमर्शियल एक हब है बहरिया टाउन में। यहाँ पर प्रिसन 2 में ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, AQ ग्रैंड मॉल के नाम से ग्राउंड प्लस 30 का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर शॉप्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर अपार्टमेंट अवेलेबल हैं। अभी अगर आप फ्रेश बुकिंग करवाते हैं, प्री लॉन्चिंग बुकिंग है, इसकी डिगिंग जो है वो आने वाले महीनों में 2 से 3 माह में इसकी डिगिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आप जानते हैं कि डिगिंग के बाद जो होता है वो प्राइसेस हमेशा रिवाइज होते हैं। सो आज के सेगमेंट के जरिए हम आपको एक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए गुड न्यूज़ दे रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना फ़ोन उठाए, इस कॉल में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कीजिए और डिटेल्स हासिल कीजिए। सेगमेंट से मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।